हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्स एकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अपना टेस्ट नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस वीडियोस में। ठीक है, आपका ये टेस्ट होगा फ्रेंड्स, वो यूपी पुलिस के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से हमारे चैनल में हिंदी और करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि हमें हिंदी और करंट अफेयर के वीडियोस प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो आज से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ आप देखिए, और अगर अच्छा लगे आपको वीडियोज़ तो लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और करंट अफेयर हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हो तो आपको समय रहते मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टेस्ट। आपका ये टेस्ट नंबर 8 है फ्रेंड्स। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में 10 मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी, 1957। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? फ्रेंड्स, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है वो 1862 ईस्वी में हुआ। ए इज द राइट आंसर। भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी, तमिलनाडु। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है अहिंसा दिवस। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ए, चोरा चोरी कांड। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बी, वित्त सचिव का। जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स, इसको उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी इज द राइट आंसर, 2011-2012। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बी, शेरशाह सूरी। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? फ्रेंड्स, आंसर मालूम हो तो प्लीज कमेंट करते रहिएगा। इसका उत्तर है सी, पेट्रोलियम। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ए इज द राइट आंसर, चंपारण में। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर, मुद्रा प्रचलन से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सी, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी डी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज द राइट आंसर। ओके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है कर्नाटका, सी इज द राइट आंसर। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एलोवेरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर इज डी, महाराष्ट्र। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है सी, ऋणी व्यक्ति को, जिन पर लोन होता है उस व्यक्ति को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? ए इज द राइट आंसर, पाउंड। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया था? फ्रेंड्स इसका उत्तर है नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? फ्रेंड्स इसका उत्तर है बी, 78। रिप्लाई करते रहिए, अगर आंसर मालूम हो तो यहीं पे वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर को कमेंट कीजिए। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? फ्रेंड्स इसका उत्तर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? फ्रेंड इसका उत्तर है बी, 3 बार। 3 बार अभी तक भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया किन से संबंधित हैं? फ्रेंड इसका उत्तर है बांसुरी वादन से। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? इसका उत्तर है बी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो थे अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस सम्मेलन जो हो रहा था उसके अध्यक्ष बने थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? फ्रेंड्स कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, ए इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? फ्रेंड्स इसका उत्तर है ए, 1915। 1915 में वे भारत लौटे थे और तभी से प्रवासी दिवस के रूप में 1915 से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है आरबीआई के गवर्नर पर। जब आप नोट में देखेंगे तो वहां पे उर्जित पटेल का हस्ताक्षर होता है। वो उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। उससे पहले रघुराम राजन थे तो उनका होता था, अब उर्जित पटेल है तो उनका है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो किस राज्य का नृत्य है? फ्रेंड्स इसका उत्तर बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है डी, केरला। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किए थे? फ्रेंड्स
फ्रेंड्स इसका उत्तर है नील आंदोलन, बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? फ्रेंड्स इसका उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है सी उत्तर भारत। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? फ्रेंड्स इसका उत्तर ए ओडिशा। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है डी महात्मा गांधी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? फ्रेंड्स इसका उत्तर है सी क्रिप्स प्रस्ताव, सी इज द राइट आंसर। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? फ्रेंड्स इसका है ए मध्य प्रदेश। भारतीय रुपए के नए चिन्ह रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था? फ्रेंड्स इसका उत्तर ए डॉक्टर उदय कुमार। उदय कुमार ने ये साइन का प्रयोग किया था रुपए के लिए। ओके गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रेंड्स इसका उत्तर है ए विस्टन चर्चिल ने कहा था। विस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ओके फ्रेंड्स आई होप वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना कि हमारे चैनल में हिंदी और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है आज से शुरू हो जाएंगे तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। तो ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।